लुधियाना नगरी के हमड़ा रोड स्थित मयूर विहार इलाके में 70 वर्षीय व्यक्ति पत्नी अपने प्रॉपर्टी डीलर बेटे बहू व पोते की तेजधार हथियारों से हत्या कर फरार हो गया। जी हां, भागने की हड़बड़ी में उसकी कार एक दीवार से टकरा गई और उसमें आग लग गई। आरोपित उसे छोड़कर पैदल ही फरार हो गया। चारों शव उनकी कोठी के अलग अलग कमरों में लहूलुहान हालत में पड़े मिले। घटना का पता चलते ही पुलिस के अधिकारी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉग स्क्वाड वे फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतकों की पहचान प्रॉपर्टी डीलर आशीष सुंदा, उसकी पत्नी गरिमा सुंदा, माँ सुनीता सुंदा तथा 13 साल के बेटे सुकेत के रूप में हुई। पड़ोसी ने बताया कि मंगलवार सुबह कोई उनके घर आया था, उसने काफी देर तक उनका दरवाजा खटखटाया व डोर बेल बजाई। जब अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद जब वहां पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो वहां सभी के शव पड़े मिले। मृतकों के शरीर पर तेजधार हथियारों के गहरे घाव है। ACP वेस्ट गुरप्रीत सिंह ने बताया कि CCTV कैमरों की फुटेज में देखने पर पता चला कि हत्या परिवार के मुखिया राजव सुंदा ने की है। सुबह 7 बजे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से वो फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में रेड कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज शाम प्लस।